युवाओं में जन चेतना को जागृत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के उपक्रम नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के नेहरू युवा संस्थान बरसनी द्वारा युवाओं में नव चेतना ऊर्जा जागृत करने के लिए संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गांव में गंदगी न हो उसके लिए हर वर्ष 100 घंटे स्वच्छता श्रमदान की शपथ ली। साथ ही विद्यालय परिसर में फैल रही गंदगी काजर घास को सभी युवाओं ने हटाया व नशा न करने की भी शपथ ली। वहीं ओलंपियाड का आयोजन करवाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेलकूद गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। जेवेलियन थ्रो में लोकेश चाट ने 90 फीट जेवेलियन फेंककर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दौड़ में लोकेश दूसरे स्थान पर, दुर्गेश शेगर ने बाजी मारी व इनमें से सभी भाग लेने वाले युवाओं को संस्थान की तरफ से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर संस्थान के सभी युवा सदस्य मौजूद रहे। आप सब दोहराएंगे, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा, उसके लिए समय दूंगा हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह में दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, मैं किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से मेरे परिवार से मोहल्ले से मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। मैं वह भी मेरी तरह पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।